हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वीं और 16वीं जो सदी में आपके धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक भक्ति आंदोलन जो हुआ उससे संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। रामानुजा जो आचार्य थे ये इधर दिया हुआ है, उनके आचार्य और उनके जो विचारधारक जो थे जिन्होंने जिसका क्या किया जिसका ठीक है उसका मत के अनुयायी थे। तो रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजाचार्य ये आपके विशिष्टता द्वैत क्या होता था, विशिष्टता द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। जबकि निम्बकाचार्य की बात करोगे, निम्बार्क आचार्य की वह द्वैतता अद्वैत ये जो उसके संस्था ठीक है अनुयायी थे। जबकि मध आचार्य जो थे वो द्वैतवाद के थे और विष्णु स्वामी जो थे वो शुद्ध द्वैतवाद के थे। किसके थे? शुद्ध द्वैतवाद के थे। तो इनका सही मिलान ए का वन हो जाएगा, बी का वन, टू सी का थ्री और डी का फोर। रामानुजा आचार्य जो थे वो विशिष्टता द्वैत के थे, निम्बका आचार्य निम्बार्क आचार्य जिन्हें कहते हैं द्वैतता द्वैत के, और मध्य आचार्य जो थे वो द्वैतवाद के, और विष्णु स्वामी जो थे वो आपके शुद्धाद्वैत के थे। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो ब्रह्म जो भक्ति आंदोलन थे उसके प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो रामानुजा आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रामानुज जो आचार्य थे ये 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। इनके जो गुरु थे वो क्या थे, ये जो इनके गुरु थे वो क्या थे, और इनका जो जन्म था, इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। किसमें? सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, कहा? सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। और इनके जो मुख्य केंद्र थे एक कांची में था, कहा था? कांची में था। दूसरा श्रीरंगपट्टनम में था, कहा था? श्रीरंगपट्टनम में था, पट्टनम में था। ठीक है, और ये ठीक है, इनके बाद में इनके जो समय पे निम्बार्क आचार्य जो थे वो द्वैतवाद के क्या थे? द्वैतवाद के ये प्रतिपादक थे और ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। निम्बार्क आचार्य जो थे ये लक्ष्मी नारायण के ये प्रतिपादक थे। ठीक है, उपासक थे। उसके बाद में रामानंद आते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे। कौन थे? नानक थे। कौन थे? नानक थे, जो पंजाब में भक्ति आंदोलन के क्या थे? भक्ति आंदोलन के वो थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, नानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो रामानंद को। कौन से? रामानंद को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रामानंद जो थे ये रामानुज के शिष्य थे। किसके थे? रामानुज के शिष्य थे। और ये 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के ये पहले महान भक्त संत थे जिन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में एक सेतु का काम किया था। और इनका जो जन्म हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद का जो जन्म था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है,
और इन्होंने जो अपने उपदेश है वो संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे। किसमें दिए थे? हिंदी में इन्होंने अपने उपदेश दिए, और जिससे क्या हुआ कि इन्होंने अपने आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार किया, और चारों वर्णों का इन्होंने भक्ति उपदेश दिया, चारों वर्णों को, ठीक है, चारों वर्णों को। इनके जो शिष्य थे वो इनके शिष्य जो थे वो कौन थे? रविदास थे, रविदास थे, कबीर थे, धन्ना थे, धन्ना जो आपके जाट थे, सेन था, और सघना था, और पीपा था। ये इनके क्या थे? ये इनके 12 शिष्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो महाराष्ट्र में कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे। कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे। कौन थे? संत ज्ञानेश्वर जो थे ये आपके महाराष्ट्र में थे, ठीक है, महाराष्ट्र में थे, ठीक है, महाराष्ट्र में थे। और इन्होंने जो ज्ञानेश्वर जो थे, संत ज्ञानेश्वर जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र में इसका आंदोलन, ठीक है, इसको क्या किया, इसको सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था, और इन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक टीका भी लिखा था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? अभी मैंने बताया था, रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC में प्रश्न पूछा जा चुका है 2002 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य जो है दक्षिण भारत के भक्ति सत्य आंदोलन के लिए सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसका लोग तो सही बात है, इसके समर्थक संस्कृत बोलते लिखते थे, ये बात तो सही नहीं है। इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, ये बात सही है। इसमें इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये बात गलत है। तो कौन सा? 1 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य जो महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु जो थे ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे ये आपके गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जो थे वो जुड़े हुए थे। और गौड़ीय ये वैष्णव धर्म का कहा जाता था। किसको? वैष्णव धर्म को, गौड़ीय वैष्णव धर्म को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग जो है उसके दर्शन की वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी, ठीक है। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था। और वल्लभाचार्य जो है और विष्णु स्वामी, ये दोनों क्या है, ये आप जानते हैं कि इन्होंने 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने 1400, वल्लभाचार्य की बात करोगे तो 1479 से लेकर के 1531 तक। और इनका जन्म वल्लभाचार्य का वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वाराणसी में जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो तेलंगाना में एक ब्राह्मण परिवार थे, और ये यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर काशी में आए थे। कहाँ आए थे? काशी में तीर्थ यात्रा पर आए थे, ठीक है, काशी में तीर्थ यात्रा पर आए थे। और यहीं पे क्या हुआ कि इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्यवाद, जो शुद्ध दैत्यवाद जो था उसके क्या थे, उसमें विश्वास रखती थी, ठीक है। और इन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे, उसमें सुबोधनी, कौन सा? सुबोधनी, और उसके बाद में इन्होंने सिद्धांत रहस्य इन्होंने लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संत ने यूसर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? तो कौन से थे? तो वो आप जानते, चैतन्य महाप्रभु। कौन थे?
चैतन्य महाप्रभु थे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके नवद्वीप या नदिया में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इनका बचपन का जो नाम था वो विशुंभर था, ये बाल्यावस्था में। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो आप जानते हैं कबीर की बात करोगे तो कबीर, कबीर का कब, कबीर की बात करोगे तो कबीर कब से कब तक, बताइए कबीर जो दास जो थे ये कब से लेकर के कब तक रहे, ठीक है, कबीर जो थे वो कब से। तो आप जानते हैं कबीर 1440 से लेकर के 1510 तक, ठीक है। और जबकि नानक की बात करोगे, किसकी? नानक की बात करोगे, नानक की बात करोगे तो नानक, चैतन्य की बात कर लेते तो चैतन्य अभी बताया था 1486 से लेकर के 1533 तक, 1533 तक। नानक की बात करोगे 1469 से लेकर के 1538 तक, 1538 तक। जबकि तुलसीदास की बात करोगे तो तुलसीदास आप जानते ही हैं, तुलसीदास जो थे ये 1532 से लेकर के 1623 तक। तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे बाद में तुलसीदास आए, तो चार नंबर पे तुलसीदास होंगे। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, क्या हुआ, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गया। सबसे पहले कौन थे? 1440 में कबीर, तो कबीर वन से स्टार्ट होंगे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। जबकि आप जानते हैं हर्ष चरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, सूरदास की रचना सूर सारावरी, सूर सागर, साहित्य लहरी, हाँ ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में शंकर देव ने किया था। किसने किया था? शंकर देव ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक धर्म का उपदेश, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? मानव बंधुत्व का, मानव बंधुत्व का, सिखों के लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का, सिखों की एकता का। तो इनका मानव बंधुत्व का था। तो ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था? तो कवि चंडीदास जो थे इन्होंने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम जो आचार्य थे वो कौन थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार बनाया था? क्या? दार्शनिक आधार बनाया था। तो दार्शनिक आधार किसने बनाया था? तो आप जानते हैं रामानुजाचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो एक शरण जो थे ये शंकर देव थे। कौन थे? शंकर देव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी केरल के किस गांव में हुआ था? केरल के किस गांव में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था केरल के कलाड या कलादी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक महान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, या पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो आप जानते हैं उन्होंने उस भाषा को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो आप जानते हैं अलवार और नयनार जो संत थे उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजा के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो रामानुजी जो
के अनुयायी जो थे उन्हें वैष्णव कहते थे, क्या कहते थे? वैष्णव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में, अभी बताया था कलाडी और कलादी गांव में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर दास थे। कौन थे? कबीर दास थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम राणा रतन सिंह की पत्नी थी, किसकी थी? राणा रतन सिंह की, ये किसकी थी? कवित्री मीराबाई, मीराबाई जो थी, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम जो था, मीराबाई पति के नाम, मीराबाई के पति का नाम क्या था बताइए? मीराबाई का विवाह राणा सांगा के साथ में नहीं, राणा सांगा के साथ में हुआ था, राणा सांगा के साथ में हुआ था, ठीक है। तो इनका जो ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था। किसके साथ? हम भोजराज के साथ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो आप जानते हैं इनका मुख्य जो साम्य था वो क्या था? संसार दुखपूर्ण है। क्या है? संसार जो था वो दुखपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? यह शंकराचार्य, यह किसकी है? यह शंकराचार्य की है। किसकी है? शंकराचार्य की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रचंड बौद्ध की संज्ञा दी थी? वो शंकराचार्य को। किसको? शंकराचार्य को दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को किस कहर या सेव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो किसको मैसूर जाना पड़ा था छोड़कर के? कुलोतुंग प्रथम को। किसको? कुलोतुंग प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विदिव को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली, विदिव ने अपना नाम बदलकर क्या किया था? विदिव ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो आप जानते वो कौन थे, किसने रोका था? तो उनका नाम था रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो वृंदावन में किसने बताया? निम्बार्क आचार्य जो थे उन्होंने वृंदावन में बसा था, अपना जीवन बिताया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। महाराष्ट्र में बिठोवा या विठल आंदोलन का केंद्र था? तो आप जानते हैं ये आपका कहां था? पंढरपुर में था। कहां था? पंढरपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के ज्ञान नाम से, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? तो आप जानते हैं कौन थे? तो आप बताइए कौन थे? वो ज्ञान देव थे। क्या थे? ज्ञान देव थे। ऑप्शन इसमें कोई नहीं सही, ऑप्शन है ज्ञान देव थे। कौन थे? ज्ञान देव इनके आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के। अगला प्रश्न है, दास भोग के रचयिता कौन थे? तो दास भोग के रचयिता कौन थे? ठीक है, पूछा था शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। कौन थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दास भोग के रचयिता कौन थे? तो वो आप जानते हैं रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
जाति पाति पूछ नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई, ये युक्त पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? तो आप जानते हैं ये रामानंद की हैं। किसकी हैं? रामानंद की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी ननकाना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप जानते गुरु नानक को माना जाता है। किसे? गुरु नानक को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। किसे? चैतन्य महाप्रभु को। अगला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं नदिया नव्यादीप बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो किस वैष्णव संत का शिष्य था? वो चैतन्य का था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास जो है फिनिश होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।